भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, विद्यार्थियों का सम्मान में, विद्यार्थियों का सम्मान में, हाय 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 हाय, विद्यार्थियों का सम्मान, हाय 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 हाय, विद्यार्थियों का सम्मान, हाय हाय, और ताचा अधिकार डालना रवि तो बिट प्रदर्शन राष्ट्रसंत तुकड़ोजी महाराज नागपुर विद्यापीठ के वाइस चांसलर है। उन्होंने बहुत ही गैर जिम्मेदाराना तरीके से सबूत दिया है अपनी गैर जिम्मेदारी का। 6 महीने से 4 डेप्यूटेशन देने के बाद जब निवडणूक के लिए रजिस्ट्रेशन की अवधि बढ़ाई जा रही थी, जब वो एक्ट के अनुसार था, तो बी फॉर्म 10-12 दिन में कैसे कंप्लीट होंगे? बी फॉर्म की डेट ना बढ़ाकर वो लोगों के मत का अधिकार छीन रहे हैं, जो कि गैर संवैधानिक है। इसीलिए हम लोग यहाँ पर जमा होकर सीनेट परिवर्तन पैनल के अंडर VC चौधरी का और विद्यापीठ प्रशासन का निषेध करते हैं। आज आम्ही सिनेट परिवर्तन पॅनलच्या माध्यमातून विद्यापीठासमोर हे नारे निदर्शन करतो आहोत। आमची प्रमुख मागणी आहे की 30 नोव्हेंबरला जी सिनेटची निवडणूक आहे ती निवडणूक 2 महिने पुढे ढकलावी, कारण की ही निवडणूक अधिनियमानुसार महाराष्ट्र राज्याच्या विद्यापीठ कायद्यानुसार नाही आहे, त्याचं उल्लंघन झालेलं आहे असं आमचं ठाम मत आहे। 21 तारखेला नोटिफिकेशन काढलं आणि 25 तारखेपर्यंत बी फॉर्म भरण्याला त्यांनी वेळ दिलेला आहे। फक्त 4 दिवसामध्ये 1,00,000 लोकांना बी फॉर्म भरण्याची तारीख दिली, त्यामुळे दिवाळी सुट्ट्या आल्या आणि सारे लोक कार्यकर्ते बाहेर गेले होते, कुणाकडे इंटरनेट नव्हतं, कुणाचा मोबाईल नव्हता। या अशा काळामध्ये अगदी 4 दिवसामध्ये आम्हाला बी फॉर्म भरायला सांगितलं, हे विद्यापीठ प्रशासनाने एका विशिष्ट संघटनेच्या दबावाखाली येऊन त्यांचं हित साधलं पाहिजे म्हणून त्यांनी हा निर्णय घेतलेला आहे। या निर्णयाचा आम्ही निषेध करत आहोत आणि आमची प्रमुख मागणी आहे की पूर्ण निवडणूक कार्यक्रम जो आहे, जो 30 नोव्हेंबरला होऊ घातलेला आहे, तो 2 महिने विद्यापीठ प्रशासनाने पुढे ढकलावा आणि जे पदवीधर आहेत, 2017च्या आधीचे पदवीधर आहेत, जे रजिस्टर्ड ग्रॅज्युएट आहेत, त्यांच्यावर अन्याय झालेला आहे, कारण की त्यांना बी फॉर्म भरण्याची संधी नाकारलेली आहे। 2022ला ज्यांनी नोंदणी केलेली आहे त्यांना बी फॉर्म भरण्याची गरज नाही आणि 2017च्या आधीचे लोक आहेत ग्रॅज्युएट, त्यांना अधिकार जो दिला होता तो फक्त 4 दिवस दिलेला आहे, हा त्यांच्यावरती अन्याय आहे। हा अन्याय आम्ही सहन करणार नाही आणि म्हणून विद्यापीठ प्रशासनाचा, कुलगुरू महोदय चौधरी साहेबांचा आम्ही निषेध करतो आणि हा कार्यक्रम, निवडणूक कार्यक्रम हा 2 महिने पुढे ढकलावा, ही आमची प्रमुख मागणी आहे आणि पदवीधर मतदारावर जो अन्याय झालेला आहे तो अन्याय दूर करावा यासाठी आम्ही सर्व संघटना सिनेट परिवर्तन पॅनलच्या माध्यमातून, त्यामध्ये 17 संघटना आहेत, या 17 संघटनांचे सारे प्रतिनिधी या ठिकाणी उपस्थित आहेत आणि आम्ही आमच्या रास्त आणि न्याय मागण्यासाठी या ठिकाणी लोकशाही मार्गाने इथे आम्ही आंदोलन करत आहोत। आज इस नागपूर विद्यापीठ के मेन गेट पे हम इकट्ठा हुए हैं ताकि हम जो पदवीधर है नागपूर विद्यापीठ के अंतर्गत जो हम ग्रेजुएट हुए हैं तो हमें मत का अधिकार मिले। जो सीनेट इलेक्शन विद्यापीठ प्रशासन की ओर से जारी हुआ है वो इलेक्शन पदवीधरों पर अन्याय करने वाला है और एक्ट के हिसाब से देखा जाए तो महाराष्ट्र विद्यापीठ अधिनियम की एक्ट को बाहर रखते हुए, दरकिनार करते हुए विद्यापीठ प्रशासन ने, वीसी ने, सुभाष चौधरी ने ये निर्णय लिया कि एक कोई भी जो संगठन है, जिस संगठन के हित में वो ये काम करते हैं, एक ऐसी संगठन है उसके हित में, उसको फायदा पहुंचाने के लिए उन्होंने ये निर्णय लिया और जो शेड्यूल निकाला है इलेक्शन का वो इतने जल्दी निकाला कि कोई भी जो ग्रेजुएट है वो बी फॉर्म नहीं भर पाया। और साथ ही साथ एक्ट में होते हुए भी, एक्ट में बी फॉर्म भरना बहुत जरूरी होता है, तो उसको भी दरकिनार करते हुए उन्होंने जो 2022 में इलेक्शन के दौरान ए फॉर्म भरे लोगों ने, पदवीधरों ने,
तो उसको बीफार्म का कोई भी सहूलत दी, उसको बीफार्म की सहूलत दी, और जो 2017 2000 के पहले के 2010 2005 या उसके पहले के जो भी रजिस्टर्ड ग्रेजुएट है उनको बीफार्म की सहूलियत नहीं दी, उनको बीफार्म भरना जरूरी किया, और 2022 के जो है ग्रेजुएट उनको रजिस्टर्ड ग्रेजुएट उनको बीफार्म नहीं भरने की सहूलत दी, तो इस ये भी एक्ट का उल्लंघन उन्होंने किया। तो हमारी यहाँ पे पदवीधरों के सम्मान में और एक भारत का नागरिक होते हुए एक संवैधानिक अधिकार की जो हमारी डिमांड है, हमें मत का अधिकार मिला है, ये संवैधानिक अधिकार है, और इस संविधान के अधिकार की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूशन में, ग्रेजुएट नागपुर यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूशन में हमें हमारा वोट का अधिकार है, तो इस वोट के अधिकार के लिए हम यहाँ पे खड़े हैं, और हम ये चाहते हैं कि जो शेड्यूल विद्यापीठ प्रशासन ने, नागपुर यूनिवर्सिटी प्रशासन ने यहाँ पे निकाला है उसको रद्द करे, और जो इलेक्शन है वो जनवरी फरवरी में ले, क्योंकि 2017 का अगर हम शेड्यूल देखते हैं तो उस शेड्यूल के हिसाब से भी इलेक्शन 2 फेब 2018 में हुए थे, 4 फेब 2018 में हुए थे, तभी तो एक्ट का उल्लंघन नहीं हुआ था, और इस साल क्यों हो रहा है? बिकॉज हम यहाँ पे एक कोई ऐसी संगठन है, ऐसी विषमतावादी संगठन है, मनुवादी संगठन है, उसके दबाव में आकर विसी ने निर्णय लिया है, और इस वजह से बहुत सारे जो 1 लाख पदवीधर है उनके अधिकारों का हनन हुआ है, उनको जो मत का अधिकार मिला है वो यहाँ पे नहीं कर पाएंगे, वंचित रहेंगे, इसके लिए हम यहाँ पे खड़े हैं, डटे हैं, नारे निदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि उनको जो पदवीधर है, रजिस्टर्ड ग्रेजुएट है 2017 के पहले के, उनको वोट का अधिकार मिले, और मैक्सिमम लोग अपने इस अधिकार का यूज करें, ताकि लोकतंत्र मजबूत हो और देश का देश आगे बढ़े, विद्यापीठ आगे बढ़े, इस वजह से हम यहाँ पे खड़े हैं, और हम चाहते हैं कि इलेक्शन आगे बढ़ते हुए जनवरी या फेब में होने चाहिए और सभी को उसका अधिकार मिलना चाहिए। आज यहाँ पे जो सीनेट परिवर्तन पैनल की तरफ से जो सभी सहभागी संगठन है, इन्होंने यहाँ पे आज जो नारे निर्देशन करने का जो प्रोग्राम रखा है वो ऐसा है कि नागपुर विद्यापीठ ऐसा विद्यापीठ है जहाँ पे वीसी चौधरी श्री एक नामधारी विद्यापीठ के प्रभारी है, बाकी जो कोई यहाँ पे जो डिसीजन लिए जाते हैं वो उच्च वर्णीय लोगों के माध्यम से लिए जाते हैं। यहाँ पे जो विद्यापीठ में जब तक कुलगुरु साहब आए हैं तब से ये इस विद्यापीठ में कैसा होता है कि जब अपन इस विद्यापीठ में बच्चे पढ़ते हैं तो उनको उनके अधिकार मिलना चाहिए, लेकिन विद्यापीठ में जब से कुलगुरु साहब जो वीसी चौधरी है जब से आए हैं तब से विद्यापीठ में विद्यार्थियों के हितों के जो विद्यापीठ विद्यार्थियों के हितों के जो निर्णय लेना चाहिए उन्होंने लिए नहीं है। जो सीनेट परिवर्तन पैनल की तरफ से हम जो ये विरोध कर रहे हैं, हमने 20 तारीख को जब ये नोटिफिकेशन देखा कि 20 तारीख को बी फॉर्म भरने की डेट उन्होंने नोटिफिकेशन दिवाली के समय निकाला है और 5 दिनों के अंदर वो बी फॉर्म भरने का जो डेट है उन्होंने समाप्त किया है। तो ये जो 1 लाख विद्यार्थियों का जो यहाँ पे पंजीकरण हुआ है उनका जो बी फॉर्म भरने की जो मुदत थी वो एकदम कम दी गई है, जिसके कारण कितने तो भी विद्यार्थी है जो आज पदवीधर इलेक्शन से वंचित है। ऐसे विद्यार्थियों को उनका हक दिलाने के लिए हमने ये नारे निर्देशन रखे है, लेकिन हमारा यही प्रशासन से ये हमारी एक मांग है कि आप अगर विद्यार्थियों के हित में अगर ये निर्णय नहीं ले सकते तो इस विद्यापीठ प्रशासन चलाने का फायदा क्या है? अगर जब तक ये विद्यापीठ प्रशासन पदवीधर ग्रेजुएट विद्यार्थियों के लिए अगर निर्णय हित में निर्णय अगर नहीं लेंगे तो इसके विरोध में हम ऐसे ही यहाँ पे आंदोलन करते रहेंगे और हम अपने हक के लिए लड़ते रहेंगे। आज ये नागपुर यूनिवर्सिटी के सामने ये सीनेट परिवर्तन पैनल के माध्यम से 17 संगठन जो सीनेट का जो चुनाव लड़ रहे हैं, ये 17 संगठन मिलकर वीसी ने जो भी डिसीजन लिया, निर्णय लिया, उसके खिलाफ में आज ये नारे निदर्शन का प्रोग्राम है। अब ये वीसी आईसी क्यों कर रहा? तो वीसी ने जानबूझकर जो प्रस्तापित कुछ संगठन होते हैं उनके इशारे पे उनको फायदा पहुंचाने के हिसाब से ये निर्णय लिया गया, जबकि नया अगर कोई मतदाता बनता है तो उसके लिए 2 महीना समय मिलता है, और जो पुराने मतदाता है जिनको बी फॉर्म भरकर उसको रिन्यूअल करना है वो दिवाली के दरमियान जो छुट्टियां रहती उस दरमियान में सिर्फ 5 दिन दिए गए। हमारा ये सीनेट परिवर्तन पैनल के माध्यम से हमने 2 बार 3 बार उनको निवेदन दिए, डेपुटेशन दिए, और हमारा ये कहना था कि 1 माह की तारीख अवधि ये बढ़ाई जाए, लेकिन उनका ये कहना है कि राज्यपाल ने दिया हुआ आदेश को हम पालते हैं, तो राज्यपाल ने तो पूरे महाराष्ट्र के चुनाव के लिए ये आदेश दिए हैं। तो आज भी अनेक यूनिवर्सिटी है
बंबई यूनिवर्सिटी हो, औरंगाबाद यूनिवर्सिटी हो, यहाँ चुनाव नहीं हो रहे जबकि वो राज्यपाल का ही आदेश था, तो इसको क्यों पड़ी है नागपुर के वीसी जो है चौधरी जी, इनको क्यों पड़ी है चुनाव की? तो इसलिए पड़ी है कि जो शासन प्रशासन में कुछ लोग जो होते हैं, कुछ अंदर की जो बात होती है वो उनको फायदा पहुंचाने के लिए काम किया। हम ये चाहते हैं कि ये तारीख बढ़ाई जाए, और तारीख बढ़ाने से फायदा ये होगा कि ये चुनाव किस लिए है, पदवीधरों का प्रतिनिधि चुनने के लिए है, और पदवीधरों के प्रतिनिधि जो पुराने जो मतदाता है करीबन 50-60 हजार है, वो चुनाव से वंचित हो सकते हैं, उनको मतदान का अधिकार मिले, उसके लिए बीफार्म की तारीख बढ़ाई जाए। इतनी सिंपल सी डिमांड थी, और ये डिमांड कभी भी एक सेकंड में पूरी कर सकते, लेकिन शासन प्रशासन सोया हुआ है, उनको अपनी चिंता, उनके आकाओं की चिंता पड़ी है, इसलिए नहीं कर रहे। ये जब तक क्लियर नहीं करते तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। कोर्ट के माध्यम से क्यों न, जितने जितने लीगल तरीके हैं वो सारे लीगल तरीके हम सीनेट परिवर्तन पैनल के तरफ से अपनाएंगे, और आपके मीडिया के माध्यम से ये बात, ये इसका कानून का उल्लंघन ये स्वयं शासन प्रशासन कर रहा, विद्यापीठ शासन कर रहा, ये बात पब्लिक तक और पूरे पदवीधरों तक जाए, ऐसा हम आपसे अपील करते। धन्यवाद।